सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ प्रयाग जंक्शन से जंघई तक रेलवे डबल लाइन का काम होने वाला है, तो उसको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसका तो फिलहाल तो फाफामा उसे मतलब जंघई तक का है, लेकिन हमारी ट्रेन यह प्रयाग जंक्शन से आएगी। तो मैं यहाँ से आप लोग को इंट्रो बना रहा हूँ, यहाँ से आप लोग को दिखाऊँगा। तो हमारे साथ में आज दिलीप भैया भी हैं। हाय दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। भाई का सपोर्ट करिए, हमारा भी सपोर्ट करिए। दिलीप इलाहाबाद ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे दोनों भाई लोग चल रहे हैं। आज हम लोग रेलवे डबलिंग वर्क दिखाएंगे और प्लस यात्रा भी करेंगे। भाई के चैनल पे भी चेक करिए, हमारे पे भी चेक करिए, दोनों लोग पे वीडियो मिल जाएगी। आइए फिर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अपनी ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ये प्रयाग जंक्शन है। प्रयाग जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल प्रयाग जंक्शन से छूटी है और काफ़ी ज़्यादा रश था, देख सकते हैं प्रयाग जंक्शन का। और इधर दोस्तों काफ़ी ट्रेन आती जाती रहती है, जिसके कारण खूब जाम लगता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोनों साइड में खूब जाम लगता है, इसके लिए भी पुल बन रहा है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं फाफामाऊ जंक्शन से ही डबल लाइन होगा जंघई तक का। ये देखिए फाफामाऊ जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं था इसका, सारनाथ एक्सप्रेस का। इसके बाद आउटर पड़ता है, आउटर पे ट्रेन थोड़ा धीमे धीमे चलती है। देखिए इधर काम हो रहा है, अब ट्रेन कर्व हो रही है, इसलिए थोड़ा स्लो स्पीड पे है। देख सकते हैं हम लोग को फाफामाऊ जंक्शन, और देख सकते हैं साफ सफाई हो रहा है थोड़ा बहुत, और मिट्टी वगैरह पड़ चुकी है। अभी काम तेजी से हो रहा है। देखिए और जगह जगह पे खुदाई हो रही है, मिट्टी वगैरह पड़ रही है, जैसा कि इधर आप लोग देख सकते हैं। और जैसे सब लगी हुई है, डबल ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए दोनों साइड में काम हो रहा है, यहाँ पर अच्छा वगैरह रखा गया है, मिट्टी वगैरह दिखा रही है। ये देखिए मिट्टी पड़ रही है, ट्रेन काफ़ी तेजी चल रही है, इसलिए रुक के नहीं दिखा सकते हैं। दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं सरायचंदी स्टेशन है, जो कि उसका रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसको भी बहुत जल्द कवर करके आप लोग को डालेंगे। स्टेशन देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने का काम चल रहा है। देखिए मेंटेनेंस का काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है अच्छे से।
सभी जगह ऐसे ही जितने भी सब प्लेटफॉर्म वगैरह हैं सब बन रहे हैं, फूलपुर सराजनपुर जितने भी लोकल अपने प्रयागराज के आसपास में सब प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप लोग पत्थर वगैरह सब लगा हुआ है और इधर भी देखिए ट्रेन वगैरह सब लगी हुई है, डबल लाइन बिछाया जा रहा है, मतलब डबल लाइन काम तो चल ही रहा है और इससे भी हो सकता है काफ़ी प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है रास्ता बढ़ाने का। तो इधर आप लोग देख सकते हैं मुख्य जगह है बिछा दिए पूरा डबल लाइन भी लगती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पुल के पास का है उग्रसेन साइड का, इधर देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, जगह जगह पे पिलर वगैरह सब बन रहा है, ये देखिए ट्रेन वगैरह लगी हुई है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इधर भी। देखिए आप लोग कुछ जगह गड्ढा वगैरह है तो जिसको से बनाना पड़ रहा है, कुछ जगह नहर वगैरह है जिसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इधर देख सकते हैं मिट्टी वगैरह भी छा दिया गया है, ये मिट्टी और मिट्टी अभी डबल लाइन का काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है। इसको बाइक से कवर करते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है हम लोग को क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाते, तो ये सो होगा कि ट्रेन से कवर किया जाए, वैसे आप लोग को ऐसे देखने को मिल रहा है और आप लोग को पूरा वीडियो दिखाना था। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं समय, हम फिलहाल उग्रसेनपुर पहुंच चुके हैं जो कि फूलपुर के अगला स्टेशन है, यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। ये देख सकते हैं सभी छोटे बड़े स्टेशन और प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य चल रहा है, पहले ऐसे पटरी वगैरह बिछी थी अब प्लेटफॉर्म का निर्माण चल रहा है। देखिए मिट्टी वगैरह देखिए पत्थर पड़ी हुई, इधर आप लोग देख सकते हैं हम लोग की ट्रेन क्रॉसिंग पे आ गई थी, इस वजह से यहाँ पे रुक रही है, वैसे इसका स्टॉपेज यहाँ पे था नहीं। ये देखिए उग्रसेनपुर, देखिए प्रयागराज फूलपुर में लगता है, इधर देख। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मशीन वगैरह लगी हुई है जो कि जंघई रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे है।
आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं जंघई रेलवे स्टेशन का कार। कर देंगे तो लोगों को आसानी पड़ेगी।
कर देंगे तो लोगों को मतलब आसानी पड़ेगी ना, जो बाबा ट्रेन रुक रही है, लेट हो रही है, वो नहीं होगा ना। इसमें आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं काम लगभग लगभग हो गया है, देख सकते हैं साइड साइड में पत्थर रखा गया है और गिट्टी वगैरह तक बिछा दी गई है, ड्रेन कर दिया गया है, बस पत्थर गिट्टी वाली काली गिट्टी देखिए इधर बिछ चुकी है, ट्रैक बिछ चुका है,
अब ये नहीं मालूम कितना ट्रैक बना है। इधर दो ट्रैक फिलहाल बना हुआ है तो इधर भी दो ट्रैक और बने या फिर एक ट्रैक और बने, तीन ट्रैक तक बिछाने का काम चले। लेकिन जंघई स्टेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, और इधर से एक लाइन चल जाती है लखनऊ के लिए आगे से कि देखिए इधर काम चल रहा है। ये क्रॉसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे भी दो लाइन अभी तक बिछी हुई है, पत्थर वगैरह बिछा दिया गया है। इधर जैसे भी काम चल रहा है, गिट्टी वगैरह बिछाने का काम चल रहा है। और इधर क्रेन के द्वारा वही पत्थर स्लैब पत्थर ये देखिए यहाँ पे रखा जा रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से फिलहाल काम चल रहा है। और इधर आप लोग देख सकते हैं गिट्टी वगैरह से बिछा दिए हैं इसको, प्लेन नहीं किए हैं। आगे देखते हैं, और ट्रेन भी स्लो हो गई है इसलिए आप लोग को दिखाने में आसानी पड़ रहा है। ये स्पायर आप देख सकते हैं जो पोल वगैरह है सामने आप देख सकते हैं, इधर वो लखनऊ लाइन चली जाती है। इधर तो अभी गिट्टी बिछाने वगैरह कोई काम नहीं चल रहा। आगे देखते हैं, तो दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं हम लोग जंघई स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ट्रेन हमारी मिल चुकी है इधर जंघई स्टेशन के लिए, और इधर भी स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह प्लेटफॉर्म और जो ट्रैक वगैरह बिछ रहा है उसका काम चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग ये पत्थर वगैरह लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म ऊँचा करने के लिए। इसके जस्ट सामने आप लोग देख सकते हैं उधर थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म का काम हो चुका है। अब यहाँ पे मिट्टी वगैरह पाट के इसको भी ऊँचा कर देंगे। देखिए लगाया गया है, सब बिछाया जा रहा है, लाइन से लगा करके फिर प्लेटफॉर्म को ऊँचा करेंगे जिससे ट्रेन से चढ़ने के लिए आसानी होगी। मिस्त्री के द्वारा करना है, और उधर वाला प्लेटफॉर्म तो ऊंचा हो ही चुका है, थोड़ा बहुत उस पर काम बचा ही है, काम चल रहा है उस पर भी। और ये भी शायद ट्रैक्टर भी सीख ली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह मैं वीडियो लाता रहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.